शर्मा सैयद ब्यूटी वॉइस से। आज जो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं हीट पील ट्रीटमेंट। अब ये हीट पील ट्रीटमेंट क्यों करते हैं हम लोग, जो होते हैं पट्टी एरिया होती है, क्रैक्स काफी अगर तरीके से आते हैं तो ये ट्रीटमेंट का अल्टीमेट रिजल्ट है, बहुत प्यारा रिजल्ट है। रिजल्ट आप प्रैक्टिकली भी अभी देखने वाले, मैं आपका टाइम बिल्कुल नहीं लूंगी, बस बताना चाहती हूँ इसमें चार प्रोसेस होते हैं। पहली बात, इसके अंदर जो हील पील ट्रीटमेंट है इसके अंदर मैं यूज कर रही हूँ शेरिल्स की हील पील किट यूज कर रही हूँ। इसमें पहला जो आता है ये सॉफ्टनर होता है, जो पट्टी एरिया होती है हम लोगों की जहां भी, तो आपको एक याद रखना है सॉफ्टनर को, जो ये पट्टी एरिया, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी ड्रॉइंग बहुत खराब है लेकिन आप लोग समझ लीजिए, तो यहाँ जो हम लोगों का ज्यादातर अगर टारगेटेड एरिया देखा जाए तो ये होता है, उसके अंदर ये सॉफ्टनर होते हैं दोनों पैरों के लिए, अलग अलग एक पैकेट में दिया जाता है, उसको यहाँ अप्लाई करना है आपको। और इसमें अगर आपको माइनर छोटे छोटे से या यहाँ ड्राई स्किन दिख रही है तो इसमें से जो भी पैकेट के अंदर बची हुई क्रीम है आप अप्लाई कर सकते हो। पहली बात याद रखना है हाथों से बिल्कुल नहीं करना, हैंड ग्लोव्स पहनना है पहले आपको, फिर उसके बाद। तो फर्स्ट स्टेप है आपको पैरों को क्लीन करना है, देन ड्राई करोगे आप पूरी तरह से पैरों को। ड्राई करने के बाद जैसे मैंने बताया आपको उस जगह ये सॉफ्टनर अप्लाई करना है आपको, और जहां जहां ऐसी ड्राई स्किन लग रही है आप वहां इसमें से जो भी बची हुई क्रीम है हैंड ग्लोव्स के हिसाब से आप लेकर यहां लगा सकते हो। इसके बाद अगर देखा जाए 15 मिनट तक क्रीम फिल्म जो होती है हम लोगों की, इससे रैप करेंगे हम लोग पूरा, मतलब सॉफ्टनर के साथ रैप करेंगे। रैप करने के बाद 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि 15 मिनट तक ये वर्क करेगा, डेड स्किन को लूजन करने का काम करेगा। इसके बाद जो इस्तेमाल करेंगे हम लोग ये स्क्रैपर यूज करेंगे, जिस तरीके से आप आलू छीलते हैं हर लेडीज को ये चीज पता है कैसे, उसी तरीके से आपको इस पार्ट से जो भी डेड स्किन रहेगी जहां से भी, इस तरीके से आपको रिमूव करना है डेड स्किन को अच्छे से। चलाने का तरीका होता है ये देखिए, ये जो एजेस होते हैं इस तरीके से आपको यूज करना है जहां भी डेड स्किन। आप देखोगे जब भी मैं प्रैक्टिकल करूंगी आप देख लोगे इसके अंदर काफी डेड स्किन निकल कर आ जाती है। और इसके बाद अगर आपको यूज करना है बफर, हम लोग पेडिक्योर में रेगुलरली बफर करते हैं लेकिन पेडिक्योर से वो रिजल्ट नहीं दे सकती क्योंकि ये ट्रीटमेंट अलग है और पेडिक्योर एक नॉर्मली हम लोग पेडिक्योर कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो बफर करते वक्त इसके अंदर अलग अलग बफर दिए हुए होते हैं, इसके अंदर स्टिकर होता है, स्टिकर की तरह रिमूव करना है आपको, चिपका देना है, और जो जो डेड स्किन आपने जहां जहां से मतलब जैसे स्क्रैपर यूज किया वहां आपको इस तरीके से बफिंग करना है अच्छे से, जितनी डेड स्किन अच्छे से निकालोगे उतना रिमूव करना है आपको इस तरीके से। बफर के बाद आपको पैरों को अच्छे से क्लीन करना है, आपको वेट टिश्यू से क्लीन कर सकते हो। अच्छे से क्लीन करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर इसी के अंदर दिया गया है, आपको इससे मसाज करना है फुट पे, और आप देख सकते हो पूरी तरह से क्रैक हील्स लगभग पूरी तरह से नाक की बराबर नजर आते हैं। तो रिजल्ट प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, मेरे हिसाब से आपकी ये ट्रीटमेंट जरूर काम के अंदर आएगी। थैंक यू।